हाय हेलो, फ्रेंड, मेरे चैनल हेलो। को हाँ, कौन सब्सक्राइब बोल रही हैं आप? कीजिए, कमेंट कीजिए, सना लाइक कीजिए, शेयर कहाँ से? कीजिए। कैंट। कैंट से हाय बोल रही फ्रेंड, हो? कैंट कैंट मेरे बरेली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, से? जी हाँ, कमेंट कैसे आपने कीजिए, फोन लाइक करा? कीजिए, शेयर कीजिए। मिस मेरी कॉल आपकी आई थी, आप बताइए। मिस कॉल कब आई थी? कल रात 8:30 बजे। अरे, धोखे से लग गई होगी। ऐसे कैसे धोखे से लग गई होगी? जब कह दिया ना, गलती हो गई, धोखे से लग गई। पहली तो लगी नहीं है, और आप जैसी लड़कियां धोखे से कॉल कर देती हैं और कह देती हैं कि आपकी मिस कॉल आई है। मैं बेवजह आरोप क्यों लगाते हैं आप? आरोप क्यों लगाऊंगा? कोई नंबर उड़ के तो मोबाइल में आ नहीं जाता है। अरे मैडम, अच्छे से जानता हूँ मैं लड़कियों से, रग रग से वाकिफ हूँ। रॉन्ग नंबर लगा देती हैं, सोचती हैं लेटे लेटे बैठे बैठे कि टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो किसी न किसी लड़के को परेशान करें। अच्छा ये बताओ, सही मुद्दे पर आ जाओ, आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? सही मुद्दे पर आ जाए। जी हाँ आपका नाम गौहर आलम है, जी हाँ जी आपके पिता का नाम मिस्टर अब्दुल नफीस वीडीसी है, जी हाँ आप मोहनपुर ग्राम मसीदगंज घोटिया में रहते हैं, कारखाने जी हाँ में काम करते हैं। जी हाँ करता हूँ। अच्छा, मैं आपके गांव में कई बार आई हूँ, आपके कारखाने के सामने से निकल निकल के गई हूँ। मैंने आपको देखा था, तभी से मैं आपको जानती हूँ। तो जानती हैं तो मैं क्या करूँ? मतलब मुझे आप अच्छे लगते हैं और मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको अच्छा लगता हूँ, आप मुझसे प्यार कर दिए हैं भैया, कि आपके दिमाग के तोते तो नहीं उड़ गए? ओते तोते की बात नहीं जानती, बस मैं दिल की बात जानती हूँ। मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ओ मैडम, अपनी जबान को जरा संवार के रखो, लगाम दो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। दिल की बात को कहने में हिचकना नहीं चाहिए, लगाम तो दूर की बात रही। हिचकना ना हिचकना वो तो अपनी जगह है, मगर मेरी शादी हो चुकी है तो मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं कुंवारा त्यारा तो हूँ नहीं। मेरी एक बीबी है और मैं खुद हूँ, मेरा परिवार है, और मैंने अपने गांव से शादी करी, लव मैरिज। उस लड़की का नाम सुमन है, समझी मैडम? मैं कब कह रही हूँ कि 10-10 लड़कियों से शादी करी है आपने, एक ही का नाम लिया है तो एक ही से करी होगी। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, बस मुझे मेरी मोहब्बत के मतलब है। मुझे आप अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ बस आप मेरी मोहब्बत की कदर करें और मुझसे बात करें। मैं आप पे दिलो जान से मरती हूँ। अगर दिलो जान से मरती हो तो एक काम करो, टंकी पर से कूद के मर जाओ, आज कोई गांव में कोई टंकी उंकी हो तो। खुदकुशी करना आरोप होता है। आरोप होता है तो मैं क्या करूं? तो मेरे गले क्यों पड़ना चाह रही हो? मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैंने धोखा देने के लिए तो नहीं कहा है, ये तो नहीं कहा है कि आप उसको डाइवोर्स देके मेरे पास आ जाओ। बस इतना कहा है, मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो ये धोखा ही तो और क्या है? मतलब धोखा वक्त दे दूं तो ये धोखा नहीं हुआ? तो तब होता जब मैं आपसे ये कहती डायरेक्टली कि तुम मेरे पास आ जाओ और अपनी बीवी को छोड़ दो। बस मैं आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ मेरे लिए, क्योंकि मुझे अरे आप बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे मैडम, आप अच्छे से जानती हैं, अगर हम शादीशुदा हैं तो आपसे बात नहीं कर सकते, और अगर बात आपसे हम करेंगे तो हमारी ये धोखा होगा, समझ में आई? ये धोखा होगा, और वो मैं धोखा देना नहीं चाहता अपनी बीबी को, उसके खातिर मैंने दुनिया जमान से दुश्मनी पैदा कर ली। मैं उससे बहुत बेमोहब्बत, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा। तो मैं उनकी मोहब्बत में दखल अंदाजी करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, आप बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। अपनी बीवी से कह देना मेरी दोस्त है, अगर वो पूछे तो। हाँ मतलब मैं झूठ बोल दूँ, मैं आपके खातिर झूठ बोलूँ? है ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। किसी को खुशी देना भी तो जरूरी होता है। ऐसी भी खुशी क्या, दो घर जब बस वो हो किसी का तो उसमें आग लग जाए। मैं आग लगाने वाला तो कोई काम नहीं करती। ये आग नहीं, बिल्कुल मिट्टी का तेल छिड़क के तीली दिखाने वाला आप काम कर रही हैं। आपका नजरिया गलत है। मेरी आपकी नजर ही गलत है। नजर गलत नहीं है, मुझे मोहब्बत है आपसे। ए मोहब्बत उब्बत मत रखो, खाली मुली नहीं तो मैं खाली तुम्हारे घर पर कंप्लेंट कर दूंगा। आप मुझे पता बताइए, पता क्यों बताऊं? क्यों पता मैं क्यों खुद नहीं? ही आ जाऊंगी तुम्हारे घर पर।
कहाँ आ जाओगी मेरे घर पे? तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी, मेरा घर कहाँ पर है? मसीतगंज गोतिया में, मस्जिद की तीसरी गली में, मस्जिद गोटिया ये कहाँ पड़ती है? मोहनपुर, मोहनपुर कहाँ पड़ता है? नकटिया, और नकटिया कहाँ पड़ती है? बरेली में, बरेली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जरा कम अपने पर फैला, ना तेरे पर काट दूंगा, समझ में आई? मैं अपने पर नहीं फैला रही हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत नहीं रोक सकते तुम मुझे। मोहब्बत करती है ना, तेरी मोहब्बत की दुकान उठा के आग लगा दूंगा। ज्यादा पर निकालने की कोशिश करी, पर काट दूंगा कबूतरी। कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, मगर मैं अपनी मोहब्बत को पाकर रहूंगी। तेरी बस की हो तो अपने एड़ी तक का जोर लगा दी। अगर तू मेरे सामने आ गई ना, तो बीच से तुझे फाड़ के एक टांग डालूंगा उत्तर प्रदेश में, एक डालूंगा तेरी उत्तराखंड में। हाँ ऐसा ही करना अगर हिम्मत है तो, और मैं भी तुम्हें पाकर ही चैन से बैठूंगी। चैलेंज है ये, चैलेंज। तेरा ऐसी बहुत ही मैंने चैलेंज देखा, और ऐसी लड़कियां जाने 365 मेरी जिंदगी में आई और यही बलगलाती रही कि मुझसे कर लो, मुझसे कर लो। मैडम मैं किसी को टाइम ना दे पाया हूँ, ना दे पाऊंगा, और तुम्हारा ये चैलेंज और चैलेंज ही बनकर रह जाएगा। हाँ 365 हो या कितनी भी, मुझे उससे मतलब नहीं है, सब ऐसी ही होंगी, मगर आपका पाला अब किसी लड़की से पड़ा है, अब आप मुझे आजमाइए, आप खुद खींचते चले आएंगे मेरी तरफ। मैं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम सोने की तरह होगी ना, एक गुड़िया की तरह मेरे सामने आके खड़े हो जाओगे, तब भी मैं बहक नहीं सकता। बहकने वाले वो होते हैं जो शैतान होते हैं। और आज की दिन और डेट और तारीख याद कर लेना, आज 22 तारीख है, जनवरी का महीना है, 2015 चल रही है। दिन आज शायद गुरुवार यानी कि जुमरात का दिन है, और तुम जो उखेड़ के घट्टी कर मिले तो कर लेना, समझ माई। मैं मसीदगंज गोटिया में रहता हूँ, समझ माई। मोहनपुर मसीदगंज गोटिया जो ठिरिया के पास है, मोहनपुर उसके बराबर में है गोटिया, भूरा प्रधान के चौक में। अब्दुल नफीस मेरे बाप का नाम है, मेरा नाम गौहर आलम है, गौहर आलम। किसी इलाके में पता कर लेना, मोहनपुर के चौराहे से लेकर गोटिया तक गौहर आलम कौन बंदा है। और तू मेरे घर तक आ जा, जा एक बार तू आके तो देख, फिर तुझे मैं अपनी झलक दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। झलक तो पहले ही देख के मर चुकी हूँ, अब कौन सी झलक देखूंगी मेरी अरे बहुत बड़ी बेशरम है, कमीनी कुतिया कहीं की तुम्हारी तो कमबख्त। गालियों में भी प्यार बरसता है मेरे गौहर। अरे बहुत बड़ी बेशरम, अरे तेरे जैसी बेशरम जाने कितनी मर गई होंगी, मगर तू ना मरी है। हम बेशरम नहीं है, अरे तुझे सुबह ना मिले, अरे कितना भी कह लो कोई फर्क नहीं है, अरे मर जा तो को हैजा ले जा कमीनी। सब बर्दाश्त है मोहब्बत में। तेरा खानदान कुर्मा खानदान डूब के मर जाए, सैलाब आ जाए, तेरा घर बह जाए। ये बद्दुआ तो झूठी है, दिल से थोड़ी ना कह रही हो तुम, कुछ नहीं हाँ होगा। हाँ ऐसा लग रहा है मैंने तुझे देख रखा है, जो मैं दिल से नहीं कह रहा हूँ। मेरे सामने आया तो मैं तुझे कह नहीं रहा हूँ, एक उत्तराखंड में तेरी टांग फेंकूंगा फाड़ के बीच में से, और एक फेंकूंगा उत्तर प्रदेश में। और अरे भी और जो धड़ बचा है ना, उसको सारा खीमा बना कुत्ते को खिला दूंगा। मुझे ये भी मंजूर है कि मैं अपने महबूब के हाथों से मारी जाऊं। देख कितनी बड़ी बेशरम है, इतनी गालियां दे दी, इतना बेशरम है कि मैंने चादर ओढ़ के डाल दी, उसके बावजूद भी तो शर्म नहीं आ रही है। और ना आए, सुन लो कान खोल के, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी, पाकर रहूंगी, पाकर रहूंगी। आई लव यू।